अब हम बहुत ही आदर सा जन सुराज का सूत्रधार लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रशांत किशोर जी से अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ सबके समक्ष अपन बात के रखी ले बेचोर ताली बजाने से नमस्कार। आप सबका यहाँ इस प्रांगण में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं है, विधायक सांसद मंत्री नहीं है, मुखिया सरपंच भी नहीं है, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बिहार के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो काम हम पहले करते थे, लोग बता रहा है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाते हैं, गांव देहात में आदमी को बुझाता नहीं है कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप जाते हैं डॉक्टर साहब के पास दवा लिखवाने, डॉक्टर 500,000 रुपया फीस लेकर आपको दवा देता है। वैसे ही जब जिसको आप देश में बड़ा नेता जानते हैं, टीवी पर अखबार में देखते हैं, जब उसका चुनाव में उसको बुखार लगता है, लगता है कि चुनाव अब की हाली हार जाएंगे, तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 500,000 रुपया नहीं है, 5 लाख 10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना पैसा लेते हैं तब आपको सलाह देंगे कि कैसे लड़िएगा तो चुनाव जीतिएगा। उस काम को हमने 10 वर्ष किया, लेकिन अब उसको छोड़ दिए। अब आप कहिएगा कि भैया इतना पैसा जहां मिलता था, बिहार में जितना किसी ने देखा ना हो, इतना पैसा छोड़कर रोड पर गांवे गांव पैदल काहे चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं कि 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ काम करके देखा, ये अनुभव हुआ कि नेताओं के जीतने से, दलों के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि मेरा दल जीत गया, मेरा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आपका और आपके बच्चे का जीवन जैसे पहले था वैसे ही है। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही राजा बन जा रहा है। तो नेता दल को तो बहुत जिता लिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आप और आपके बच्चे भी जीते, इसीलिए ये अभियान शुरू किए। दल नहीं बनाए, दल नहीं बनाए हैं, वोट वोट नहीं मांगते। आज 15 महीना से अपना घर परिवार छोड़ के पैदल पैदल चल रहे। हमारा दिया हुआ सैकड़ों गाड़ी लोग उस पर चल रहा है, हम गाड़ी पर नहीं चलते, पैदले चलते। पैदल क्यों चल रहे? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को सुधारने का संकल्प लेकर आए हैं, ये तय किया है कि कम से कम जीवन में एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस परेशानी दुख तकलीफ में जी रहे हैं। ये देखने के बाद इसका रास्ता निकालेंगे। वोट हम काहे नहीं मांगते? लोग कहता है भैया वोट नहीं लीजिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे? वोट क्यों नहीं मांगते हैं? वो इसलिए कि वोट मांगने वाला तो हर दो बरिस पर कोई आइए रहा है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। यही सुनकर आप जीवन भर वोट दे रहे, 40-45 बरिस कांग्रेस को वोट दिए, फिर लालू जी को 15 बरिस जिताए, अभी 18 बरिस से नीतीश कुमार कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा, तो अब अगर प्रशांत किशोर आए हैं, हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दीजिएगा,
तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? जैसे जीतने के बाद पीछे का नेता लोग धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। आपको अभी यहीं पर बैठे बैठे दिखेगा कि आपकी बर्बादी का, बदहाली का कारण क्या है और क्या करने से आपका जीवन सुधर सकता है। आपको ठीक लगे तो अपनाइए इस बात को, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम कोई भाषण नहीं देंगे, कुल जमा 4 सवाल पूछेंगे। आप सबको सवाल का जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है, हाथ उठाकर। अपने आप आपको आंख के सामने दिखेगा कि आपकी बर्बादी का, बदहाली का कारण क्या है और क्या करने से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जो सवाल का जवाब नहीं देगा उसको नहीं बुझाएगा, जवाब सबको देना है। जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, सब आदमी जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठा के हाथ बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए ना, हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, अभी कितना आदमी गांव से आप लोग आए हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू या मुसलमान, सब आदमी ने कहा कि ना भैया, पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझ हर आदमी को है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के अगर उसको नौकरी रोजगार मिल जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक मंत्री बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये समझ आप सबको है। तब जरा सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए, देखिए कैसे पूरा गांव का दुर्दशा दिख रहा है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जानता है कि अगर आपके यहाँ गांव पंचायत में फैक्ट्री लग जाए तो आपके घर के आदमी को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान का कटाई हुआ है, धान का दाम है 2500 रुपया, आप धान बेचे हैं 1400, 1500, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का 2500 रुपया मिल जाए तो आपका आमदनी बढ़ जाएगा, लेकिन आपने कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जौना चीज के लिए आप वोट देते नहीं है, वो आपको मिलेगा कैसे? पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, फसल के दाम के लिए आपने जीवन में वोटे नहीं दिया, तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया किसको वोट दिया जाए, बिहार में तो सब चोरे है, सब ठगता है, किसको अगर रोजगार के लिए पढ़ाई देंगे तो रोजगार मिलेगा? हम आपको अभी रास्ता बता रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वो समझ के दीजिएगा, तो आपके बच्चे को और कुछ हो चाहे नहीं, रोजगार और पढ़ाई निश्चित मिल जाएगा। अब आप उस रास्ता समझिए। दूसरा सवाल अभी पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के बताइए, जिस नेता को भी आपने जीवन में वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? मतबा उठाकर बोलिए ना भैया, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया? नहीं किया। सब लोग अभी गांव का बोला है, आपने देखा है
कि भैया जिस दल को जिस नेता को वोट दिए, आप या तो बोल लीजिए चाची या चाहे हम बोल ले, आपको हम पहले बोले हैं कि जो सवाल करना है कर लीजिए, हम जब समझा रहे हैं तो बीच में बोलिए मत। आपने कहा कि जिस दल को जिस नेता को हमने वोट दिया किसी ने हमारा काम नहीं किया, तो हम अभी गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो सब आदमी हाँ बोलिएगा, अगर गलत बात बोले तो ना बोलिएगा। बिहार में आपके गांव पंचायत में भी हम लोगों ने, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या में, तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को कि लालू का राज में बहुत बिजली नहीं रहता था, घरे घरे बिजली आना चाहिए, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया, आया है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है। आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो आपके बच्चे का पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गिनती दोनों पूरा बिहार में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है। आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, तो भैया गुजरात में मोदी जी विकास किए हैं, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, अब पूरा बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? अभी तो आप बोले हमको कुछ नहीं मिला, आप तो खुद बोले अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, तो जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं है वो मिलेगा कैसे? बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा, वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा, वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा, यही बताने के लिए घूम रहे। वोट पैसा नहीं मांगते, गांव गांव जाकर हाथ जोड़कर आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों का चिंता नहीं कीजिएगा तो कोई दल कोई नेता आपके बच्चों का चिंता नहीं करेगा, कोई करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता काहे करेंगे? यहाँ आप जितने लोग आए हैं, अब अभी आपको दिखेगा आईना के तरह कि आपका दुर्दशा क्यों है, जरा सोच के हाथ उठाकर बताइए आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, उठाइए हाथ। सब आदमी को बोलना है आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है, है? पूरा गांव एक साथ बैठ के झूठ बोल रहा, पूरा गांव है झूठ बोल रहा। आप कह रहे हैं कि आपको आपके बच्चे की चिंता है, हम अभी आप ही के गांव में आए हैं, रास्ता में 200 बच्चा अगर हमको मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर तो कपड़े नहीं, आपका जितना छोटा बच्चा यहाँ आया है ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आज सोमवार है, दिन भर हम पैदल चल के आए हैं, किसी विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला, सबका बच्चा 10 बजे खिचड़ी खा के रोड पर घूरा तो दिन भर घूमा है, और आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये आप ही के बच्चे हैं, आप में से किसी को इसका चिंता नहीं।
जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है, उसी नेता को कल वोट होगा, चुनाव होगा, तो जात धर्म के नाम पर जाकर उसी को वोट दीजिएगा। यहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठ के झूठ बोल रहे हैं, हम तो अपने बच्चे का बड़ा चिंता है। अगर चिंता होता तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों के हाथ से किताब कॉपी लेके खिचड़ी का प्लेट पकड़ा दिया, उसको आप कभी जीवन में वोट देते? अगर आपको अपने बच्चे का चिंता होता तो जिन लोगों ने आपके घर के सामान को मजदूर बना दिया, उसको आप वोट देते? आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है। यही बिहार के दुर्दशा का कारण है। यहाँ गांव में बैठ के लोगों को हिंदू मुसलमान पुलवामा पाकिस्तान बुझाता है। लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, MYPY बुझा रहा। मोदी जी का 56 इंच का सीना है कि 54 इंच का, ये भी लोगों को समझ में आ रहा। अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं समझ में आ रही। आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? बच्चे की चिंता क्या होती है, अगर सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वा नहीं पास है, लेकिन लालू जी बाप है, उनको कितना चिंता है कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री बने, बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास हो गया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आपको लालू जी का लड़का कैसे जीते इसका चिंता है, मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे इसका चिंता है, अपना बच्चा का चपरासी का नौकरी कैसे लगेगा इसका चिंता नहीं। तो आप नहीं भोगिएगा तो कौन भोगेगा, यही बताने के लिए घूम रहे। किसी से वोट नहीं लेते। कहता है हमको कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, अभी आप लोग भी कह रहे हैं, जहां गए 4000 गांव में, ये बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे नामी गली मुखिया जी नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस लगता है, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 25000-30000 घूस लगेगा, दाखिल खारिज में 10000-12000, कोई प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनाना है तो 2000-3000 घूस लगेगा। तो जरा आप याद करके बताइए, 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब चुनाव था तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, दूध को पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद होगा। आप बताइए कि आप जब 500 रुपया लेकर चोरी करके वोट दीजिएगा तो आपका नेता ईमानदार कैसे होगा? आप मुर्गा भात खाकर वोट दीजिएगा तो आपका विधायक ईमानदार कैसे होगा? बिहार में लोगों का इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जो मुखिया विधायक को 500 रुपया लेकर जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5000-10000 रुपया घूस लेता है, और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो जैया 500 रुपया लेके वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट दिए थे वो भ्रष्टाचार नहीं है। जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहाँ से होगा, यही बात बताने के लिए घूम रहे। नेता को गाली देने से नहीं होगा। अगर बिहार को सुधारना है तो आपको सुधरना पड़ेगा। लोग कह रहा है भैया आप आए हैं, हम लोग के पास विकल्प नहीं था, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा, आप तो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, हमारा साथ आप दीजिएगा। कह रहा है कि 15 महीना से पैदल चल रहे हैं। अरे आपका घर का सामान 15-15 साल से मजदूरी कर रहा है,
तब आपका आंखें नहीं खुला, 15 महीने हमारे पैदल चलने से आप सुधर जाइएगा, नहीं सुधरने वाले। इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे, हाथ जोड़कर आपको ये सिखा रहे हैं। मेरे भाई, आपका हमारा आधा से ज्यादा उम्र बीत गया, हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जगिए, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। अब नहीं सुधरिएगा, नाली गली जाति धर्म पर वोट देते रहिएगा, तो लिख कर रखिए, मोदी बने कि लालू नीतीश कि प्रशांत किशोर, ये सुधरने वाला नहीं है। जिस गरीबी बदहाली में आप जिए हैं, इसी गरीबी बदहाली में आपके हमारे बच्चों को भी जीना पड़ेगा। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है, 5 वर्ष बैठ के गाना गाता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, और कल वोट देने जाएगा तो फिर उसी को वोट दे देगा, तो कैसे सुधरेगा आप बताइए। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं, गांव गांव जाकर संकल्प लिए हैं कि सबको ये बात बताएंगे, हाथ जोड़कर आपको अभी एक सूत्र बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो जिसको वोट दीजिए वो दीजिए, लेकिन आपका जिंदगी सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, हमारे कहने से आप सुधरने वाले नहीं है। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चे का स्वार्थ देखिए। नेता आकर कहेगा देश के लिए वोट दीजिए, कोई कहता है जात को जिताना है इसलिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दीजिए, कोई कह रहा है मंदिर बनाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू को हराना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको बता रहे हैं एक पंक्ति में, वोट चाहे जिसको भी दो, वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा, न तो आपके बच्चों का जीवन सुधरने वाला नहीं है। अब इतना देर से हम बोल रहे हैं, आपसे हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चायो नहीं पीते हैं, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, 50 वर्ष से व्यवस्था पूरा बर्बाद हो गया, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 15 महीना से पैदले चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और गांव गांव में लोगों के समर्थन और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास हम बिहार को सुधारने के लिए शुरू किए हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको बोलना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। आपको इतना देर से सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो एगो बढ़िया बात बता के, मीठा बात बता के घरे भेजेंगे। भगवान ने जो हमको पैसा शक्ति बुद्धि दिया है वो सब लगाकर हमने जो योजना बनाया है, 2 वर्ष में जब ये जनता का राज बनाएंगे, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, इसको याद रखिएगा, साल भर के अंदर जितना आपका घर का आदमी गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया का रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो सब आदमी अब बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने जात का नेता चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? सबको बोलना है रे भाई, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज?
तो एक ही इसका सूत्र है, अगली बार जब वोट देने जाइए तो वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर देना। और वोट का कीमत नाली गली नहीं है, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। इससे कम पर सौदा नहीं होना चाहिए। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं। अकौर है भैया, बड़ा गरीब है, हर 2 बरिस पर जिसको 1 वोट देकर आप प्रधानमंत्री बनाए वो लाखों करोड़ रुपया का मालिक है। 1 वोट देकर जिसको आप मुख्यमंत्री बनाए वो 2.5 लाख करोड़ रुपया का मालिक है। और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप 5 किलो अनाजे पर बेच दिए तो आप नहीं गरीब रहिएगा तो कौन गरीब रहेगा? यही बात बताने के लिए घूम रहे। संकल्प लीजिए, किसी भी हालत में वोट का सौदा इससे कम पर मत कीजिए, तभी गरीबी खत्म होगा। अब आप आए हैं, आपने हमको आशीर्वाद भी दिया है, भरोसा रखिए। 2 बरस में जब पूरा बिहार में पैदल घूम के 40,000 गांव में जाकर लोगों को समझा लेंगे और जनता का राज बनेगा तो किसी के बच्चे को पढ़ाई या रोजगार के लिए यहां से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इतना बात बोले तो एगो फीस भी आपसे लेंगे। पहले बोले हैं मेरा फीस कितना है याद है ना? 200 करोड़ रुपया लेते हैं, बिना फीस के उठने नहीं देंगे। तब फीस के तौर पर सब आदमी एक संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तभी जीवन सुधरेगा। बहुत गरीब है, 4 गो बच्चा है, 4 को नहीं पढ़ा सकते हैं, कम से कम 1 को भी पढ़ाइए। 1 बच्चा भी पढ़ जाएगा तो पूरा परिवार को ऊपर खींच लेगा। हमारे अपने बाबा, आपको हमने बताया, मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 8 गो 9 गो बच्चा था, किसी को पढ़ाने का पैसा नहीं था, लेकिन सब लोग मिलके मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए, हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है तब ना हम खड़ा होके भाषण दे रहे हैं। 5,000 आदमी को नौकरी दिए हैं, 1,000 आदमी को रोज खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया नहीं होता तो हम भी कहीं खेत में मजदूरी कर रहे होते। इसलिए कोई नेता आपको ये नहीं बताएगा, कोई नेता आपसे नहीं पूछता है कि आपका बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। काहे नहीं पूछता है? नेताओं को भी मालूम है जिस दिन आपका बच्चा पढ़ लिख गया आप उसको 5 किलो अनाज पर वोट नहीं दीजिएगा। इसीलिए आपके बच्चों को खिचड़ी खिलवा रहा है और आपसे 5 किलो अनाज के लिए लाइन पर भीख मंगवा रहा है। संकल्प लीजिए, 2 बरस में बाकी चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। अब हाथ उठाकर बताइए, कल से पढ़ाने पर ध्यान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बोलिए हाथ उठाकर। स्कूल में खाली खिचड़ी नहीं खिलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाइए तभी जीवन सुधरेगा। घबराइए नहीं, 2 बरस में ये व्यवस्था सुधार कर आपको देंगे। आप यहाँ आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा लगाकर खत्म करेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में दम नहीं, हम चल के आ रहे थे इतना बोल रहे हैं, आपका मुंह नहीं खुल रहा, बताइए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। देखिए, अपना मर्ती के लिए नारा लगाने के लिए बिहार के आदमी को हिला के जगाना पड़ता है, ना तो दाल भात चोखा करके उसे छूटो, कोई आता हम लोग का ठीक कर देता। मेहनत करना पड़ेगा, सबको जगना पड़ेगा, तब जीवन सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।